बिहार वापस मैं का स्वागत है आपका एक और रिएक्शन वीडियो पे। और आज देखने वाले हैं द सडन डाउनफॉल ऑफ जोनाथन गेमिंग, ऐसा टाइटल है वीडियो का, पर पता नहीं क्या ऐसा कुछ है भी कि नहीं, पता लगाएंगे आज, देखेंगे सच्चाई क्या है। आ जाओ। तो ये वीडियो होने वाली है सारियोट की, इनके चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। टाइटल है द सडन डाउनफॉल ऑफ जोनाथन। पहले मैं व्यूज देखना चाहूंगा गाइस, जोनाथन गेमिंग। अब मेरे को ये नहीं पता ना डाउनफॉल किस में बात कर रहे हैं, यूट्यूब में, यूट्यूब करियर में, किस कौन से करियर में, ई स्पोर्ट्स में। ओके, तो ये है बंदा डालता नहीं है ज्यादा वीडियो, और लाइव स्ट्रीम का चैनल है मेनली। तो लाइव स्ट्रीम देखी जाए 3 महीने में 3 लाइव स्ट्रीम हुई है, मतलब हर महीने एक लाइव स्ट्रीम होती है, समझ रहे हो गाइस। उस हिसाब से कुछ कहा नहीं जा सकता। डाउनफॉल अपफॉल तब पता चलेगा जब बंदा ना ऐसे डेली आ रहा हो, तब एकदम पता चल जाता है। लेकिन इसमें लाइक बंदे आ ही जाते देखने के लिए, तो इस चीज में कुछ कह नहीं सकते हम। लेकिन आओ देखिए वीडियो में क्या कहा जा रहा है, तो चालू करते हैं। BGMI बैन हो जाता है एंड इसी के साथ, अरे ये किसी का थंबनेल देखा हुआ क्यों लग रहा है मेरे को? Until and unless BGMI, ये किसी का थंबनेल देखा हुआ क्यों लग रहा है यार? बैन हो जाता है एंड इसी के साथ जोनाथन का डाउनफॉल का कर्व स्टार्ट हो गया, और ये कर्व लगातार नीचे ही जाते जा रहा है। कर्व की बात की गई है, ये है जोनाथन, इंडियाज बेस्ट BGMI प्लेयर, जो एक समय माने जाते थे, क्योंकि अभी करंट ये क्या, ये बता रोज क्यों कर रहा है इसका रोज देखो तुम, यहाँ से देखो। जोनाथन इंडियाज बेस्ट BGMI प्लेयर, जो एक समय माने जाते थे, इंडियाज बेस्ट BGMI प्लेयर जो एक समय माने जाते थे, साले रोज करता है बीच में अनइंटेंशनल। अभी करंटली इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये प्लेयर का करियर खत्म हो गया है, जोनाथन का स्किल सेट काफी ज्यादा ओल्ड हो चुका है एंड उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। देखो इस बारे में मेरे पे कोई कमेंट नहीं है स्किल सेट वगैरह के बारे में, क्योंकि मैंने ना मैं देखता ही नहीं हूँ स्पोर्ट्स यार, पता है कब का मन टूट चुका है स्पोर्ट्स ये सब देखने से, कोई मन नहीं है मेरा। और जहां तक मेरे को पता है तुम में से आधे ज्यादा को कोई मन नहीं होगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कुछ नहीं, तुम्हें बस मौज काटनी है, गेम भी खेलते होगी नहीं, पता नहीं खेलते भी नहीं होगे तुम में से आधे लोग, और आगे बढ़ना है। अब मैं कुछ कह नहीं सकता स्किल सेट के बारे में, क्योंकि मैंने देखा नहीं है क्या हो क्या रहा है, क्योंकि मैं देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है भाई। एक जमाने में हुआ करता था इंटरेस्टिंग, अब कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे को। ऐसा लोग बोल क्यों रहे हैं, आफ्टर ऑल जोनाथन के पास इंडिया में सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स है एंड हमने सालों से जोनाथन का एक राइज देखा है, जिसने नॉर्मल से प्लेयर को एक स्टार प्लेयर बना दिया। बट वो कौन सा पॉइंट था जिसके वजह से जोनाथन का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया एंड उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है कमबैक करने में। बट उससे पहले मेरे ख्याल से ये बेसिकली पूरा उसके गेम प्ले वगैरह के बारे में होने वाली है वीडियो। तुम्हें ये देख के हैरानी होगी कि जोनाथन का डाउनफॉल एग्जैक्टली किस पॉइंट से आया उनके कैरियर में, तो चलो देखते हैं यार। द डाउनफॉल स्टोरी ऑफ जोनाथन। जोनाथन एक नॉर्मल प्लेयर जिसे घातक ने ढूंढा आफ्टर इस एबनॉर्मल परफॉर्मेंस इन टूर्नामेंट। सो फाइनली जब जोनाथन ने TSM एंटिटी को ज्वाइन किया, उसके बाद इस प्लेयर ने ऐसा परफॉर्मेंस दिखाया जो आज तक इंडिया में किसी ने नहीं किया था, जिसने लिटरली पूरे पबजी कम्युनिटी को शॉक में डाल दिया था, क्योंकि वो लगातार बैक टू बैक टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे रहे थे एंड लगातार टूर्नामेंट्स में बैक टू बैक MVP बन रहे थे, और यहीं से उन्हें मिस्टर MVP का खिताब भी मिलना स्टार्ट हो गया था। चाहे वो इंटरनेशनल स्टेज क्यों ना हो, इस प्लेयर ने वर्ल्ड क्लास प्लेयर को भी अपना स्किल से परेशान करके रखा था। और जोनाथन एक वेल एस्टैब्लिश ई-स्पोर्ट्स प्लेयर बन ही गया था कि उसके कुछ टाइम बाद गेम बैन हो जाता है। एंड जब गेम BGMI बन के, यार गेम बैन की वजह से हुआ सार जितने भी करियर ही ले रहे हैं सबके, ये गेम बैन की वजह से हुआ, वो भी दो दो बार वापस आता है। उसके बाद जोनाथन ज्वाइन करते हैं गॉड लाइक विद द सेम प्लेयर्स एंड सेम टीम। अब पता नहीं कहां है ये सारे, तो देखो ये लोग कहां है पता नहीं। जोनाथन शायद गॉड लाइक में ही है, घातक भाव ने अपना ही कोई वो खोल दिया है, ठीक है। जी गॉड को बेंच कर दिया था, अभी पता नहीं खेलता है कि नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं देखता नहीं, तुम्हें पता है। न्यू ने छोड़ दिया क्योंकि सैलरी नहीं मिली भाई को, ऐसा मेरे को सुनने में आया था। और क्लच गॉड का मेरे को लिटरली कोई आइडिया नहीं, तो टीम तितर बितर हो चुकी है, जो चीज गॉडलाइक को गॉडलाइक बनाती थी वो जा चुकी है, समझ लो। एंड जोनाथन स्टिल डोमिनेट्स द MVP लिस्ट एंड इस बार भी जोनाथन का परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा था, अनटिल एंड अनलेस BGMI बैन हो जाता है एंड इसी के साथ जोनाथन का डाउनफॉल का कर्व स्टार्ट हो गया, और ये कर्व लगातार नीचे ही जाता जा रहा है। रीजन बिहाइंड जोनाथन डाउनफॉल, अच्छा प्रेम सोचा है वो जो BGIS का तुम्हारा द ग्राइंड हुआ उसमें वो टॉप 4 में नहीं था, उसके बाद फाइनल हुआ उसमें टॉप 4 में नहीं था, उसके बाद BGIS हुआ उसमें वो नहीं था, BMOC चल रहा है द ग्राइंड का, week 1 हो गया नहीं था उसमें, week 2 हो गया नहीं था उसमें, फाइनल्स में नहीं हो रहा है उतना। जोनाथन का डाउनफॉल का मेनली दो रीजन है जिससे तुम भी एग्री करोगे। फर्स्ट वाला रीजन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट अभी बात कर लेते हैं सेकंड वाला रीजन का, जो कि है लैक ऑफ टीम सपोर्ट। तुम याद करो जब जोनाथन TSM एंटिटी में थे एंड उनकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तब जोनाथन भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट गॉडलाइक ज्वाइन करने के बाद उसकी टीम गेम है गाइस, ये है तो गेम टीम का ही है एट द एंड, अब तुम सैलरी नहीं दे रहे हो टीम में। मैं क्राउंटी भाई को ट्रोल करना बंद करता हूँ, लेकिन यस टीम गेम है। लेकिन अगर तुम सोचो मैं टीम के लिए खेल रहा हूँ, ठीक, मैं टीम के लिए खेल रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे अपना फोकस नहीं किया, मेरी मेन इनकम सैलरी है, ठीक, चलो सो बोल देते हैं, अब तुम मेरे को मेरी सैलरी नहीं दोगे तो मैं यार वैसे गेम खेल रहा हूँ, ठीक है। बंदा आया, कॉल आती है, बंदा
सैलरी कमाई की बंदा तो आ गया, सैलरी कमाई की दिमाग में यही चलेगा मजाक सेट के। जब पैसे नहीं मिलते ना बहुत ही होता है, चाहे बंदा कितना ही अमीर हो कुछ हो, जब पैसे ऐसे अटक से जाते ना कितना ही अमाउंट हो, दिमाग में वही चलता रहता है कि यार कब आएगा आएगा कि नहीं, ऐसा फटी रहती है। तो यस, टीम का मेंटल बैलेंस थोड़ा, मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ा वैसा था मेरे ख्याल से, क्योंकि पंगे हो रहे थे अंदर ही। मेरे ख्याल से कुछ भी क्वालिफाई नहीं कर, लास्ट जब मैं देखा करता था तब भी नहीं हो रहा था, डिस्क्वालीफाई हो जा रहे थे लोग, फाइनल में भी नहीं जा रहे थे जहां तक मैंने देखा था जब मैं देखता था। लेकिन अब तो पता नहीं क्या स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लिटरली एक साल से गॉडलाइक का परफॉर्मेंस ओवरऑल नहीं आया एज अ टीम, क्योंकि गॉडलाइक ने इतना ज्यादा चेंजेस एंड सफल कर चुके हैं। फिर ये पता नहीं कितने लोगों को लिया है। गॉडलाइक ने लास्ट शैडो एक अनऑफिशियल और दूसरा कौन बंदा था इवेंट जीता है, एंड ऑफिशियल्स में तो वो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे थे। ये मैं कह रहा हूँ, वो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे थे। तो तुम सोचो कि जब ओवरऑल टीम ही खराब खेल रही है तो जॉनथन अकेले कितना सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकता और कितने ज्यादा फ्रैक्स निकालता, और यही रीजन से जॉनथन बहुत सारा फाइट्स हार रहे हैं, एंड उसकी वजह से धीरे धीरे उन पे बुरा नहीं खेल रहा है, उसका अपोनेंट उससे अच्छा खेल रहा है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब वही हुआ, बकवास लगने लगा कि जॉनथन में पहले जैसी बात नहीं रही। एंड यहीं पे आता है जॉनथन का डाउनफॉल का रीजन नंबर 2, जो कि है डीबीएस मेटा। अब तुम बोलोगे डीबीएस की वजह से बंदे का करियर खत्म हो गया, ये क्या बात कर रहा है बंदा, आप बता दें। देखिए सैरेट भाई, ये कैसा पॉइंट हो सकता है यार, ये कैसा पॉइंट है भाई, तो सब यूज कर रहे हैं और वैसे भी अच्छा प्लेयर्स तो वही होता। डीबीएस ने स्किल डिफरेंस नहीं खत्म कर दिया, अच्छा जो मेटा के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रहा हो। तो पहले सुन, डीबीएस मेटा आने के बाद परफॉर्मेंस डाउन हुआ, क्योंकि भाई देखो मैं तुम्हें सच बताऊं ना, मैंने अभी तक नोटिस करा है, जितना मैंने समझा है, परखा है, देखा है, जाना है, डीबीएस ने एनेबल कर दिया है कि मेरे जैसा प्लेयर भी जाके एक शॉट में किसी भी प्रो प्लेयर को मार सकता है। जॉनथन बस वही है, फिर प्रो प्लेयर को भी डीबीएस उठानी होगी और पहले मार देना होगा। मेरे को पता है अनोइंग है डीबीएस, बस दिक्कत तभी आएगी जब डीबीएस मिले ना पूरे मैच में, तब दिक्कत आएगी। और ऐसा तुम कह नहीं सकते कि यार देखो मैं तो नल्ला हूं, मैं तो चलाता नहीं डीबीएस, क्योंकि मेरे को मन सा नहीं करता डीबीएस ज्यादा चला, खैर अब तो नर्फ हो गई, लेकिन मैं चला नहीं करता था गाइस, क्योंकि स्प्रे में मजा आता है, गेम प्ले वो सही लगता है। लेकिन ई-स्पोर्ट्स प्लेयर्स को ना जो मेटा चल रहा है उसके हिसाब से ही करना पड़ता है। अब डीपीएस चल रही है तो सबको डीपीएस ही चलानी पड़ेगी, समझ रहे हो? तो ये डीपीएस मेटा पता नहीं मेरे को, वाज नोन फॉर हिज इनसेन क्लोज रेंज स्किल्स। अब से एक डेढ़ साल पहले जाओ जहां पे प्रॉपर क्लोज रेंज, वही है यार, पर क्लोज रेंज वाला बंदा डीपीएस उठा के भी मार ही देगा। फिर फाइट्स होती थी लाइक प्रॉपर 1v1 एकेएम से फाइट हो गया या फिर यूएमपी से फाइट हो गया, ये सब होता था प्रॉपर क्लोज रेंज फाइट्स जहां पे कोई प्लेयर का क्लोज रेंज स्किल्स दिखता था। और हम सबको पता है कि जॉनथन का स्ट्रांगेस्ट पॉइंट क्लोज रेंज ही है, बट डीपीएस वो डीपीएस उठा के भी मार देगा फिर क्लोज रेंज में, यार ये तो पॉइंट, लेट्स जस्ट स्किप दिस, आई डोंट बिलीव दिस पॉइंट माय गाइस। लाइक तुम इमेजिन करो कि कोई बंदा 20 एचपी होता है एंड तुम एकेएम या फिर यूएमपी लेके उस पे पुश करते हो और तुम्हारा 100 एचपी है, बट क्योंकि उस पे डीबीएस है वो तुम्हें कभी भी हरा सकता है। वो भी है, ये भी है, हां ये पॉइंट थोड़ा सा सही है, पर करियर पूरा ऐसा कह नहीं सकते यार, एट द एंड टीम के ऊपर ही बात है मेरे ख्याल से। कमबैक जैसे वो पहला खेला करते थे, जॉनथन का सच बोले तो कभी डाउनफॉल आया ही नहीं था। अरे सुनो, जॉनथन का डाउनफॉल का मेनली दो रीजन था जो मैंने तुम्हें बताया था। फर्स्ट जो रीजन था जो कि टीम का खराब परफॉर्मेंस, देखो मेरे ख्याल से एक ही रीजन है, वो है टीम का इधर उधर होना, और ये मेनली यूट्यूब की बात नहीं हो रही है, ये बस ई-स्पोर्ट्स करियर की बात हो रही है। तो अगर बात परफॉर्मेंस का था तो धीरे धीरे गॉडलाइक का परफॉर्मेंस धीरे धीरे आ रहा है, बैक टू बैक टूर्नामेंट्स में वो देख रहे हैं कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टीम यार काफी कॉन्फिडेंट फील कर रही है, सच्ची बताऊं तो अच्छा खेल रहे हम लोग, अच्छा एज इन ऐसा खेल रहे हैं कि ये भी गॉडलाइक में ये फाइट्स निकल पा रही है अभी, समझ रहे हो? जो फाइट्स जेली जाती थी ना, अब थर्ड पार्टी हो रहा है वो भाई, मेरे को कोई आइडिया नहीं है गाइस गॉडलाइक के साथ क्या हो रहा है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बंदे कौन है मेरे को यही नहीं पता भाई, बंदे कौन है अब। और गाइस मैं सोच रहा हूँ आकाश की वीडियो की गाइस, ये मैं सोच रहा हूँ इस चीज का जवाब ना हमको यहाँ मिल जाएगा, गॉडलाइक डाउनफॉल इसमें तुम्हें जवाब मिल जाएगा सब चीज का, क्यों हो रहा है डाउनफॉल सबका। गॉडलाइक के पास ई-स्पोर्ट इंडस्ट्री के काफी बड़े नाम थे, जैसे आज आप देखते हैं किन किन ने लीव कर दिया है गॉडलाइक को इस वीडियो में, मेन मेन पार्ट देखेंगे गाइस, से नोवा, एस पावर, ओके नोवा भी था, ओके एस पावर, वीओन, मैक है, स्टर्न, मिस्टर मैक्सिम भी गॉडलाइक था, तो स्पाइक ने भी छोड़ दिया, 420 ओपी, लोकेश गेमर एंड मेनी मोर, नोवा, यार जब इतने सारे गॉडलाइक ही वन ऑफ द फाउंडर थे, घातक जिन्होंने ये करंट, घातक ने भी तो छोड़ दिया शायद, ऑल स्टार लाइनअप क्रिएट की थी एंड जो गॉडल के कोच भी थे, कमलजीत पाजी और लंगोटी जो गॉडल के की मैनेजमेंट के पार्ट थे, इन सभी लोगों ने गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स को लीव कर दिया एंड सभी इतने लोग छोड़ के जा चुके हैं भाई, तुम गिन रहे हो 10 से ज्यादा गिना दिए इस बंदे ने, क्यों कोई वजह होगी भाई इसकी, पास अपने पर्सनल रीजंस थे बियॉन्ड लीविंग गॉडलाइक भाई। गॉडलाइक इन सभी ने अपने गॉडलाइक लीव करने का रीजन तो पर्सनल बताया था, बट कहीं ना कहीं एक सवाल निकल के आता है कि ये सच में पर्सनल बोलने की बात हो, या गॉडलाइक में कोई यार मुझे पैसा मिल रहा है एक ऑर्ग में बैठ के, तो ऐसा क्या ही पर्सनल रीजन होगा कि मैं छोड़ के चल जाऊंगा, अनलेस मेरे को ज्यादा पैसा कहीं और मिल रहा है, और क्या रीजन होगा, या मेरी लड़ाई हो गई हो फिर पैसा का वो नहीं होता, अगर ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है तो समझ रहे, मतलब ऐसा भी कुछ था नहीं लड़ाई का, तो कुछ दिक्कत तो हुई, इंटरनल इश्यूज थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर ई-स्पोर्ट्स डाउनफॉल 2020
2021 में पबजी मोबाइल के बैन के बाद टीम घातक ने गॉडलाइक स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया था। गॉडलाइक में जॉनथन, नियो, क्लच गॉड, जी गॉड और घातक के एडिशन के बाद टीम ने काफी सारे मेजर टूर्नामेंट जीते। टीम घातक ऑलरेडी ये टीम थी जब जो टीम थी और मेरे को ये टीम याद है, उसके बाद कुछ नहीं पता मेरे को। और टीएसएम एंटिटी के टाइम से इंडिया में डोमिनेट कर रहे थे। इंडिया के साथ ही ग्लोबल स्टेज पे भी ये टीम काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और ये डोमिनेशन और परफॉर्मेंस उन्होंने गॉडलाइक में एंटर करने के बाद भी कंटिन्यू रखा। 2021 के बीजेएस में हैशटैग फोर्थ फिनिश करने के बाद बाकी टीम के वीजा एंड पासपोर्ट इश्यूज की वजह से टीम गॉडलाइक को अगेन इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का चांस मिला एंड दैट वाज पबजी मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप 2021। 13 फिनिश करने के बाद हमें पहली बार टीम घातक में चेंजेस देखने के लिए मिले। वो चेंजेस हुए गिल और बीरू के एडिशन के साथ। ये सब पंगा चल रहा था एक्स स्पार्क के साथ। हंसी आती है। ये एडिशन गॉडलाइक की हिस्ट्री में काफी कंट्रोवर्शियल था। गिल और बीरू के एडिशन के बाद ये जर्सी फेंक रहे थे, एक्स स्पार्क की जर्सी मैन लाइनअप बन गई थी। और इसी इतना सब कुछ किया उसके बाद पता नहीं लॉन्डे खेले भी, मेरे को याद भी नहीं है। कुछ ऐसे खेले होंगे एक डेढ़ महीना फिर पता नहीं कहां चल दिए। चेंज के बाद से गॉडलाइक की इंस्टेबिलिटी स्टार्ट हो गई थी। टीम इतनी इंस्टेबल होने के कारण गॉडलाइक का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं आ रहा था। गॉडलाइक को इस लो परफॉर्मेंस का झटका तब लगा जब वो बीएमओसी 2022 में क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। बीएमओसी क्या है भाई, क्या क्या निकाल रखा है ये लोग, पागल हो चुके भाई। ओसी 2022 के बाद पता इतनी सारी चीजें कर रखी है कि मेन चीज कौन सी है पता ही नहीं। कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई हाइप ही नहीं है, क्योंकि करोड़ तो तुम टूर्नामेंट लगा के बैठे हो, कौन देखता कौन है पता नहीं। गॉडलाइक में हमें दोबारा से चेंजेस देखने, पहले हुआ करता था कि हाँ ये पीएमजी वो क्या नाम था उसका मैं भूल गया, पबजी में जब हुआ करता था मेन एक टूर्नामेंट था भाई वो है और खेलना खेलो नहीं तो बाहर पे जाओ, एक दो हुआ करते थे एटमोस्ट। फिर पता नहीं करोड़ों छाप दिए इन्होंने, टूर्नामेंट डेली ही टूर्नामेंट चल रहा है, एक दिन में दो टूर्नामेंट चल रहे, टूर्नामेंट क्लैश हो रहे, पता नहीं क्या करते भाई। मिले इस बार का चेंज भी काफी कंट्रोवर्शियल था। जून 2022 में हमें टीएसएम के शैडो गॉडलाइक में ज्वाइन करते हुए दिखाई दिया। इस ज्वाइनिंग के बाद घातक पे काफी सारे पोचिंग के एलिगेशंस भी लगे थे। शैडो के एडिशन घातक भाई पोचिंग कर रहे हो के बाद टीम ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। टीम गॉडलाइक ने बीजेएमआई मास्टर सीरीज में सेकंड पोजीशन हासिल की बट उसके बाद तुरंत होने वाले बीजेएमआई शोडाउन 2022 में टीम की तरफ से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आया और उन्होंने 14 पोजीशन पे फिनिश किया। इस इवेंट के बाद जुलाई 2022 में हमें बीजेएमआई फिर से बैन होते हुए दिखाई दिया। इसके बाद बीजेएमआई ने तो कमबैक कर लिया बट गॉडलाइक अभी तक कमबैक करने लिए स्ट्रगल कर रही है। इन सब के बाद टीम यार ये बंदे रोस्ट क्यों कर देते हैं बीच बीच में, सारे मेजर टूर्नामेंट्स में क्वालिफाई तक भी नहीं कर पाई है जैसे बीजेएस 2023 और बैटल ग्राउंड मास्टर सीरीज सीजन 2 में वो उन्होंने 22nd पोजीशन पे फिनिश किया था। अब बात करते हैं उन रीजंस की जो गॉडलाइक के डाउनफॉल के पीछे है। सबसे पहला रीजन है टीम में कॉन्स्टेंट चेंजेस हो रहे हैं। ये कॉन्स्टेंट चेंजेस टीम के लिए बहुत हार्मफुल है। बीजेएमआई एक टीम गेम है, इसमें टीम सिनर्जी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बट टीम में इतने चेंजेस हो रहे हैं कि प्लेयर्स को सिनर्जी बनाने के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। सेकंड रीजन है टीम में कोई कोच नहीं है। कोच एक ईस्पोर्ट्स टीम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा कोच ही नहीं है क्या गॉडलाइक के पास, कोच ही नहीं है वाह। अच्छा घातक भाई चल दिया ना शायद, क्या गलत कर रही है, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या सही मूव होगा, ये सब चूज करने का डिसीजन कोच के पास होता है बट टीम गॉडलाइक के पास कोई भी कोच नहीं है। और अभी रिसेंटली स्काई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट के बाद हमें ये सुनने के लिए मिला है कि टीम गॉडलाइक के पास अब तो एनालिस्ट भी नहीं है। वेल डाउनफॉल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन तो लाइफ में आते ही रहते हैं और ईस्पोर्ट्स जर्नी में डाउनफॉल आना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सेम चीज हमें टीम सोल के साथ भी होते हुए दिखाई दी थी बट टीम सोल ने किसी के अराउंड टीम ना टीम सोल ने नंबर वन की टीम ले ली बनाते हुए पूरी टीम ही चेंज कर दी थी। अब गॉडलाइक की पूरी मैनेजमेंट उन्होंने पता ही उन्होंने ये नहीं किया एक प्लेयर छोड़ो एक हटा, उन्होंने बोला है ये टीम नहीं कर रही है परफॉर्म दूसरी उठा लो, मतलब जो कि बहुत बढ़िया है भाई, बढ़िया किया उन्होंने क्योंकि अब अभी भी वो परफॉर्म कर रहे हैं मेरे ख्याल से, तो ये दिमाग ला रहे हो चुकी है ना तो सोल वाले दिमाग लगा के काम करे। गॉडलाइक के पास कोच है ना एनालिस्ट, क्रॉन्टी भाई पता नहीं क्या ही कर रहे हैं ना टीम मैनेज, क्यों लग रहा है बंद होने वाली है गॉडलाइक पता नहीं जैसे न कोई और है। कुछ ही दिनों में बीजेएस 2024 स्टार्ट होने वाला है और अकॉर्डिंग टू द न्यूज एंड लीक्स जो हमें सुनने के लिए मिली है उसके अकॉर्डिंग ये इवेंट काफी मुश्किल होने वाला है। अब ये देखने वाली बात होगी अच्छा। कि टीम गॉडलाइक इस इवेंट में कैसे परफॉर्म करती है, क्या उनके वो मेजर स्टेप्स है जो वो इस इवेंट के लिए लेने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है कि टीम गॉडलाइक को क्या करना चाहिए जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे टीम का डाउनफॉल आ गया है वो ड्यू टू उनके मैनेजमेंट। अब देखते क्या होगा इस वाले टूर्नामेंट में पता चल जाएगा, तुम लोग देख लेना जिसको शौक है, मैं तो खैर देखता नहीं। इन लोग को भी ऐसी करना चाहिए था गाइस, इन्होंने ना एक प्लेयर गया एक आ रहा है फिर एक जा रहा है फिर एक और आ रहा है फिर जो गया था वो वापस आ रहा है पर जो था वो फिर चला जा रहा है, चल क्या रहा है पता नहीं, या तो पूरी टीम ही बदल दो पता नहीं क्या सीन है। ऐसे एक एक प्लेयर चेंज कर करके पता नहीं एक टीम नहीं 100 टीम इन्होंने कर दी एक एक प्लेयर चेंज कर करके, सो इसलिए डाउनफॉल हुआ। टीम गेम है भाई, कवर कुवर नहीं हो पा रहा होगा जो भी सीन है।
लेकिन यस ये थी मेरे गाइस वीडियो। लेकिन गाइस तुम्हें क्या लगता है, डाउनफॉल क्यों आ रहा है? जहां तक मेरे को पता है ये जो टीम चेंज कर रहे हैं, एक प्लेयर आ रहा है पैसे नहीं मिल रहे हैं वो कद्दूस, ये जो अनबन चल रही है टीम के अंदर उसी से पंगा हो रहा है। इनको ना सोल की तरह रखना चाहिए, सिस्टम बिल्कुल सिंपल क्लियर और कट्टू कट, आगे बढ़ो। ये क्या है, ये सैलरी नहीं मिल रही, क्या है ये, पता नहीं। लेकिन आज की सुना इतना ही, मेरे ऊपर कोई ना चढ़े, मैं बस अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं बस अपना ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ। सो यस यहाँ साला मेरे को ना ये डिस्क्लेमर देना पड़ता है, मेरे को ना यहाँ पे ये डिस्क्लेमर देना पड़ता है कि ये वो मेरे ऊपर फालतू ना बोल जाए, क्योंकि बंदे ना पागल ही है। मैं कुछ और बोल रहा होता हूँ, वो सोच लेते मैं उनकी टीम को उंगल कर रहा हूँ, फिर वो मेरे से पंगा करते। पता है क्या सीन लग रहा है, क्या बोलता है गाइस, बाय।